पटना के बापू सभागार में भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने किया आयोजन। सांसद चिराग पासवान ने कहा, बाबा भीमराव के सिद्धांतों पर हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान काफी पहले से चल रहे थे। उनके जयंती के दिन छुट्टी का प्रावधान भी उन्होंने शुरू किया। हमारा भी प्रयास है कि हम भीमराव अंबेडकर और हमारे नेता रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर चले, गरीब पिछड़े आम जनता के लिए कार्य करे। जयंती अवसर पर चिराग ने 5 प्रस्ताव पारित किया। पद्मभूषण रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। बिहार विधानमंडल में सरकार रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाए। हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलकर रामविलास पासवान के नाम पर हो। आगामी 8 अक्टूबर को खगड़िया में रामविलास पासवान की प्रतिमा का होगा स्थापन। वहीं चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किया अनुरोध, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए कार्य करे। चिराग पासवान नीतीश कुमार से सवाल करते हैं इसलिए उन्हें चुभता है। चाचा पशुपति पारस पर हमला करते हुए कहा, चिराग पासवान को तोड़ने की कोशिश की गई थी, पहले पार्टी फिर चुनाव चिन्ह से किया गया अलग, लेकिन चिराग पासवान टूटने वाला नहीं है। बिहार की जनता का प्यार और आशीर्वाद साथ है। शेर का बेटा हूँ, लड़ता रहूंगा। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।